नीरोथेरेपी का एक नया नाम, बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही राजस्थान से, जहां पर राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में दो गुटों तनाव में बेकाबू हुई भीड़, जमकर हुई पत्थरबाजी। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में दो गुटों के बीच जबरदस्त तनाव की खबर सामने आ रही है। यहाँ वोटिंग के दिन दो गुटों के बीच हुए तनाव के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई और जमकर पत्थरबाजी हुई। लोग अपने घरों की छत से पत्थर फेंकते नजर आए। सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में कर लिए। राजस्थान में आज 199 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सभी जगहों पर वोटिंग बहुत शांतिपूर्वक चल रही है, लेकिन फतेहपुर शेखावटी में हिंसा की खबर सामने आ रही है। बताया ये भी जा रहा है कि वोटिंग के दिन दो गुटों के बीच इसमें काफी लोग घायल हुए हैं, और न ही सिर्फ घायल हुए बल्कि काफी लोगों को अस्पताल तुरंत पहुंचाया गया है। इससे पहले इसी तरह का मामला जयपुर से भी आया था। देखा जा रहा है कि जहां जहां पे वोटिंग्स चल रही है वहां पर इस तरह के शांति को भंग करने वाले माहौल सामने आने लगे हैं। कुछ ऐसे ही भीड़ बेकाबू होने की खबर कुछ वक्त पहले मध्य प्रदेश से भी आई थी। ऐसे में खबर ये भी आ रही है कि 1 बजे तक तकरीबन 40% वोटिंग हो चुकी है और इसी वोटिंग के दौरान एक बुजुर्ग को हार्ट अटैक से भी मौत का सामना करना पड़ा है। ऐसे में शाह के बयान पर भी सीपी जोशी ने कहा है कि नाथ द्वारा का तो बच्चा बच्चा मंदिर जाता है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां पर इलाहाबाद में सिटी बस कंडक्टर पर स्टूडेंट ने जानलेवा हमला करा है। धार्मिक नारे लगाने का भी इल्जाम सामने आ रहा है। यूपी के प्रयागराज में जुमे को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कॉलेज के स्टूडेंट ने सिटी बस के कंडक्टर को चापड़ मारने से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज स्वपुरानी नेहरू चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि प्रयागराज के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाला ये बच्चा हमला करने के बाद चापड़ लहराता हुआ भाग निकला। बताया जा रहा है कि बाद में पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। हमलावर स्टूडेंट इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, बालिग है और या नाबालिग है इसके बारे में भी मालूम नहीं चल पाया है। लोगों का कहना है कि हादसे से भागते वक्त वो धार्मिक नारे भी लगा रहा था। एक और सिटी बस के कंडक्टर नदन यादव ने बताया कि हमला करते समय हमलावर ने कहा कि जिहादी अभी जिंदा है। इस बीच इस स्टूडेंट का 8 सेकंड का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उसके हाथ में तमंचा नजर आ रहा है। वहीं एक और बड़ी खबर की बात करें जो कि अमित शाह की तरफ से आ रही, तो यूपी के बाद पूरे देश में लग सकता है हलाल पर बैन। अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि हाल ही में यूपी में योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार ने हलाल वाली सारी चीज़ों को भंडारण, वितरण और बिक्री, यानी कि खाना पीना और किसी भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना जिसमें हलाल वर्ड यूज़ हो रहा है उस पर रोक लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जुमे को केंद्र सरकार ने हलाल प्रमाणित उत्पादों के ऊपर रोक लगाने का फैसला ले लिया है। हैदराबाद में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार हलाल पर रोक लगाने का अभी कोई फैसला नहीं ले रही है। शाह 30 नवंबर को होने वाली तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। सरकार का मानना है कि एक तरह से किसी भी प्रोडक्ट को हलाल दिखाना नफरत को बढ़ावा देना है और देश को मूल रूप से कमजोर करने के लिए एक असली फैसला नहीं है। ऐसे में खबरें ये भी आ रही हैं कि बहुत जल्दी शायद बाकी इलाकों में भी, बाकी सिटीज में भी हलाल पर बैन लग सकता है। वहीं अगर अब बात हैदराबाद की करें तो हैदराबाद में पूर्व आईएएस के घर पर छापा पड़ा है। रात भर चलता रहा हंगामा। हैदराबाद में तेलंगाना सरकार के सलाहकार और पूर्व आईएएस अधिकारी एके गोयल के घर चुनाव आयोग और आईटी की टीमों ने छापा मारा है। इल्जाम था कि उनकर घर पर बड़ी मात्रा में नकदी रखी गई है। हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में जुमे की रात चुनाव आयोग, फ्लाइंग स्क्वाड और टास्क फोर्स की टीमें आईएएस अधिकारी के घर पर छापा मारने पहुंची हैं। पूर्व आईएएस एक गोयल इल्जाम था कि उनके घर में बड़ी मात्रा में नकदी रखी गई है। घर के बाहर बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता भी इकट्ठा थे। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। पहले जुबली हिल्स पुलिस मौके पर पहुंची और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वहां से हटाने की कोशिश करी। इसके बाद जब हालात पर काबू पाने के लिए लाठी चार्ज भी करना पड़ा। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट देखा जा सकता है। कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों का रास्ता भी रोक लिया था। इसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि थोड़ी देर बाद हालात पर काबू पा लिया गया है। बता दें कि रिटायरमेंट के बाद एके गोयल भारत राष्ट्रीय समिति सरकार में सलाहकार के पोजीशन पर हैं। जानकारी के मुताबिक इस रेड में आयकर विभाग की टीम भी मौजूद है। इल्जाम है कि एके गोयल के पास मतदाताओं यानी कि वोटिंग्स को बांटने के लिए बड़ी तादाद में पैसे रखे हुए थे। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि उनके घर में ना गैर कानूनी रूप से नकदी नहीं मिली है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि एजेंसियां ठीक तरीके से जाँच नहीं कर रही और पुलिस ने कुछ लोगों को छोड़ भी दिया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह
किसी भी तरह का दर्द रखने वालों के लिए खुशखबरी 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 मर्दों खवातीन बच्चे बड़े या फिर पुराना दर्द जैसे शोल्डर का दर्द कमर का दर्द घुटनों का दर्द गर्दन का दर्द कोहनी का दर्द या जिस्म के किसी भी हिस्से में नया और पुराना दर्द हो तो आज अभी तशरीफ लाइए। एक बार आजमाएं शर्त है अपने तजुर्बे की बिसात पर मोहम्मद मुश्ताक साहब आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हजारों मरीजों को शिफायाब कर चुके हैं अल्लाह के फजल से। तशरीफ लाइए नीरो थेरेपी का एक नया नाम बिना कोई दवा बिना कोई ऑपरेशन बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। तफसीलात के लिए हमारा पता है शास्त्रीपुरम रोड अपोजिट HKGN फर्नीचर। कॉन्टेक्ट कीजिए 7995273604।